मुंबई ट्रेन गोलीकांड में नालासोपारा के रहने वाले भानपुरा वाला की भी मौत हो गई। आपको बता दें, अंधाधुंध फायरिंग हुई ट्रेन में और उसमें चार लोगों की मौत हो गई। जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में सोमवार सुबह आरपीएफ के जवान चेतन ने बैतरना स्टेशन के पास अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हादसे में एक एएसआई सहित चार लोगों की मौत हो गई थी। मृतक यात्रियों में नालासोपारा में रहने वाले अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन भानपुरा वाला, जिनकी उम्र 60 साल है, ये भी शामिल है। मृतक मुहर्रम की खुशियां मनाकर वापस मुंबई आ रहे थे। मौत की खबर सुनकर इलाके में मातम पसर गया है। हालांकि उनके बेटे और पत्नी देश से बाहर हैं। परिजनों ने घटना की जानकारी उनकी बेटी और बेटे को दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन भानपुरा वाला नालासोपारा पूर्व के अचोले रोड स्थित तेज प्रतिमा बिल्डिंग के चौथी मंजिल घर क्रमांक 402 में पत्नी फरीदा के साथ रहते थे। उनके तीन बच्चे हैं, इनमें से हुसैन भानपुरा वाला जिनकी उम्र 34 वर्ष और बुरहान भानपुरा वाला जिसकी उम्र 25 वर्ष से दुबई में रहते हैं, जबकि बेटी अहमदाबाद में रहती है। मृतक अब्दुल भानपुरा वाला के रिश्तेदार हुसैन भानपुरा वाला ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से नालासोपारा में पूरा परिवार रहता है, यानी 30 सालों से इनका पूरा परिवार नालासोपारा के अचोले रोड में रहता है और काफ़ी दिनों से इनका व्यवहार भी आजू बाजू काफ़ी अच्छा था, लोगों ने बताया, और उनके बच्चे दुबई में रहते थे, इसलिए दोनों पति पत्नी मुहर्रम मनाने के लिए दुबई जाने वाले थे। लेकिन अब्दुल भानपुरा वाला की मेडिकल फिटनेस बरामद नहीं थी। फरीदा पिछले सप्ताह दुबई चली गई थी। हालांकि इसके बाद अब्दुल भानपुरा वाला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अपने पैतृक भानपुरा गांव चले गए। 30 जुलाई को भवानी मंडी स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी और अगली सुबह यानी सोमवार को मुंबई आ रहे थे। रिश्तेदारों ने फोन के माध्यम से घटना की जानकारी परिवार को दी। नालासोपारा के गालानगर क्षेत्र में डायपर्स का कारोबार करते थे, जबकि उनके तीनों बच्चे दुबई और अहमदाबाद में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। आपको बता दें, अब इनके परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है रेलवे ने। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार।